हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि सेशन लिक्विडिटी क्या होती है, इसमें कैसे ट्रेड किया जाता है एंड क्या इसका पैटर्न वगैरह होता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं इस वीडियो में कंप्लीटली सारी चीज़ें समझाऊंगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखना, तब आपको समझ में आएगा। तो सेशन लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि मेजरली क्या होते हैं, तीन सेशन होते हैं, ठीक है, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क सेशन। इन तीनों सेशन में से जो पहला सेशन होता है वो होता है एशियन सेशन। ठीक है, तो ये लेटेस्ट मैं बात कर रहा हूँ 8 मई की। तो इसमें क्या हुआ था कि एशियन सेशन का जो हाई है ये वाला पॉइंट है, एंड एशियन सेशन का जो लो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो अब ये दोनों पॉइंट आपने देख लिए कि इसका हाई जो है ये वाला है एंड इसका लो ये वाला है। अब क्या होता है कि जब भी आप एशियन सेशन में एंटर लेते हो तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना है जिसको ये सेशन फॉलो करता है। तो इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हो सकता है कि मार्केट अप से डाउन की तरफ आए, या सेकेंड केस में ये हो सकता है कि यही मार्केट ओपनिंग टाइम पे डाउन से अप की तरफ जाए। ठीक है, किसी भी केस में आप इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ये पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट यहाँ पे क्या करता है कि डाउन से अप की तरफ गया जब एंड होने के बाद में, और स्टार्टिंग में देखें तो स्टार्टिंग में अप से डाउन की तरफ आया मार्केट, मतलब बुलिश से बियरिश की तरफ आया मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका ये सेशन खत्म होता है, चाहे बाई साइड में खत्म हो चाहे सेल साइड में खत्म हो, तो मार्केट क्या करता है, फेक आउट क्रिएट करता है। ठीक है, फेक आउट मतलब इस सेशन की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट वापस से नीचे जाता है। ठीक है, अब वो कोई सा भी टाइम फ्रेम हो सकता है, ये आपका एक फेक आउट पॉइंट हो गया। ठीक है, देन मार्केट क्या करता है, दोबारा इसी सेशन में आता है वापस। ठीक है, इसका एक सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। सपोज करिए मार्केट यहीं से ओपन हो गया था अपना, ठीक है, लंदन सेशन, यहां से आया वापिस यहाँ पे लिक्विडिटी लेके गया, लेकिन यहाँ पे डाउन आया। ठीक है, अब जब मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है लो के नीचे, अगेन मार्केट जब भी इसमें एंटर करता है, किसमें करता है, सेशन लिक्विडिटी के पॉइंट पे, तो जब भी मार्केट री एंटर करता है तो आपको क्या करना है कि आपका जो एसएल होगा वो एसएल आपको, सॉरी, एंटर तो यहाँ पे कर देना है और एसएल जो है इस पॉइंट के नीचे रख देना है। और एंट्री आपको कहाँ तक लेनी है, जो भी फर्स्ट आए होगा वहां तक आपकी फर्स्ट एंट्री रहेगी, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रेल करते हुए आगे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी इच्छा है, आप जितना ट्रेल करेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उतने ही ज्यादा ट्रेड आप यहाँ से ले पाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेशन लिक्विडिटी, चलो ठीक है, आपने पढ़ ली, आपने देख ली, अच्छे से यूज भी कर ली, ये हो गया एशियन सेशन के लिए। सेम चीज अब लंदन सेशन में आपको कैसे होता है, इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी ये करंटली एक एंट्री मैंने लाइव मार्केट में ले रखी है, यहाँ से एंट्री ली है एंड यहाँ पे मेरा एसएल है, मार्केट यहाँ से हाई लगा के डाउन की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मार्केट का जो लो पॉइंट है ये वाला है। ठीक है, आज का जो डे है ये वाला लो है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो लंदन सेशन होता है इसकी एक खासियत है कि या तो ये मार्केट का हाई लगाएगा या मार्केट का लो लगाएगा डे का। ठीक है, ये कुछ भी कर सकता है, बट इसके 3 से 4 रूल्स है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो अभी के लिए अपन जो है ओनली सिर्फ एशियन सेशन के बारे में समझ रहे हैं। तो इससे पहले चलते हैं, इससे पहले वाले दिन क्या हुआ था मार्केट के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एशियन सेशन का जो हाई है ये वाला पॉइंट है, ठीक है, एंड एशियन सेशन का जो लो है ये वाला पॉइंट है। अब जब मार्केट यहाँ पे खत्म हो चुका है एंड मार्केट का लास्ट कैंडल, सॉरी, ये वाला, यहाँ तक ये डाउन में देखिए ये वाला कैंडल है ये वाला, तो जैसे ही मार्केट ने एशियन सेशन में क्या हुआ, खत्म हो गया एंड यहाँ पे खत्म होने के बाद मार्केट ने री एंटर किया। ठीक है, यानी कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, री एंटर करता है इसके अंदर। यहाँ पे पहले मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी, नेक्स्ट कैंडल में आपको क्या करना है, वही करना है जो आपने पहले किया था। क्या करना है कि जब भी मार्केट इस सेशन के अंदर एंटर करता है, इसके अंदर एशियन सेशन के अंदर, ठीक है, और कौन सा सेशन, लंदन सेशन, तो
तो आपको यहाँ पे करना है बाई एंट्री लेनी है, ठीक है, और आप उसका जो टीपी है वो ट्रेल करते हुए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें एंट्री प्लान करनी है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सेम चीज यहाँ पे देखिए, मार्केट क्या हुआ, डाउन में ओपन हुआ एंड अपसाइड मार्केट यहाँ जाके क्लोज करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेशन होता है वो क्या करता है कि यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेता है, ठीक है, और ऊपर ही जाता है। अब इसको करना क्या चाहिए था कि यहाँ पे एक फेक आउट क्रिएट करना चाहिए था या इधर फेक आउट क्रिएट करना चाहिए था। उसके बाद मार्केट को या तो बाई साइड में जाना चाहिए या सेल साइड में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अपन ने यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट क्या करता है कि जो ये टाइम फ्रेम मार्केट ने यूज लिया, इस टाइम फ्रेम को मार्केट यहाँ पे एज ऐसे कैंडल के लिए क्रिएट करता है। देन मार्केट का जो नेक्स्ट सेशन ओपन होता, उसमें मार्केट क्या करता, इसके अंदर एंट्री करता। तो अपन यहाँ से एक एंट्री प्लान बनाते इस पैटर्न पे, अपना ऐसे लिए वाला रहता एंड जो टीपी है अपना, ये इसका फर्स्ट हाई रहता। तो इस तरीके से अपन इसमें कुछ क्रिएट करने वाले थे, बट मार्केट ने क्या किया, वहां पे एंट्री ही नहीं दिया। उसके बाद चलो कोई इशू नहीं, मार्केट ने यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने कैंडल क्लोज किया, तो जब नेक्स्ट टाइम मार्केट ओपन हुआ, यानी कि नेक्स्ट जो मोमेंटम था मार्केट का, वो इसी के अंदर से ओपन हुआ और मार्केट ने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया अब। तो जैसे ही मार्केट इसको क्लोज अबव करता है, तो आपको यहाँ पर ऐसे लिए रखना है और टीपी आपका ब्रेक इवन करते हुए चलना है। तो इस तरीके से आपको क्या है, यहाँ पे मार्केट में एंट्रीज वगैरह लेनी है, एंट्री वगैरह फाइंड आउट करनी है और सारी चीजें आपको प्लान करनी है। उसके बाद अब ये लाइव मार्केट में मैं आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट का इसको 3 मिनट पे कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट डाउन आ रहा है, ये इसका हाई था, ये इसका लो पॉइंट, अभी तक यही बना है, अभी तक मार्केट नीचे आ रहा है। तो अब अपना जो टीपी होगा वो ये वाला पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि या तो इस मार्केट में दो करने हैं, क्या करने, दो काम, या तो ये मार्केट वापिस ऊपर जाए और यहाँ पे इसका हाई ले। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता तो फिर उसको ये लो लेना पड़ेगा। तो दोनों में से मार्केट कुछ भी करे, एक साइड तो मार्केट को करना होगा। अगर मार्केट सपोज करिए बीच में यहाँ पे जाता है, यहाँ पे आता है, इस सेशन के ना तो हाई लेता है ना लो लेता है, तो ये क्या होगा, आपका इंटरनल के अंदर, किसके, लंदन सेशन के इंटरनल के अंदर ही मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन लिक्विडिटी समझ में आई होगी, इसको सेशन लिक्विडिटी बोलते हैं। अगर इसके बारे में आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी एंट्री लाइव मार्केट में होती है, यानी इवन दो ये जो वाली एंट्री है, ये भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली है, प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्यों मैं एंट्री ले रहा हूँ एंड क्या इसका रीजन है। तो वो सारी चीजें आप वो भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सेकेंड पार्ट में अपन डिस्कशन करेंगे कि जो लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, इस सेशन में अपन कैसे एंट्री लेते हैं। थैंक यू सो मच।